बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो है कीमा पुलाव। कीमा पुलाव बनाने के लिए हमें जो चीजें चाहिए, कीमा 1 किलो ले लिए, नमक 1 चम्मच, 4 अदद लौंग, 2 बड़ी इलायची, काली मिर्चें, दालचीनी, खुशक धनिया, सफ़ेद जीरा पाउडर, जावत्री, 2 अदद बादियान के फूल और चंद जवे लहसुन के। अब इन सब चीज़ों को डाल के हम अपने कीमे में कीमे को बॉयल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम इसमें ऑयल थोड़ा सा डालेंगे ताकि इसको अलग से भून सकें और इसकी स्मेल गोश्त की जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके लिए मैं डालूंगी 3 से 4 चम्मच ऑयल के। मैंने ऑयल डाला 1 कप। अब इसमें शामिल करते हैं प्याज। मैंने 3 बड़े साइज की प्याज लेके उनको स्लाइस में काट लिया था। मैं 1.25 किलो चावल बना रही हूँ, मैंने इस हिसाब से प्याज डाला है। आप अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं कम या ज्यादा। अब इसमें शामिल करते हैं थोड़ा सा पानी। अब इसमें शामिल करते हैं लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, खुशक धनिया 2 चम्मच, सूख मिर्च 1 चम्मच, सब्ज मिर्चों का पेस्ट 1 चम्मच। शाही जीरा 1 चम्मच, अचार 2 चम्मच। अब इन चीजों को मिक्स करेंगे। एक चम्मच गरम मसाला पाउडर में शामिल करते हैं टमाटर 3 अदद बड़े लेके मैंने गोल काट लिए हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। अब मसाले के अंदर टमाटरों को अच्छी तरह भून लेंगे ताकि अच्छी तरह मसाला तैयार हो जाए। कीमा हमने भून ली है। अब ये भुना हुआ कीमा हम मसाले के अंदर शामिल करेंगे और बाकी इसको मसाले को साथ भून लेंगे। मसाले के अंदर मैंने सब्ज मिर्चें साबुत नहीं डाली, पीस के डाली है क्योंकि ये कीमे वाले चावल हैं, इसलिए मैं कहती हूँ सब्ज मिर्चें सामने नजर मार। अब इसकी अच्छी तरह भुनाई कर लें ताकि ये इसके अंदर मसालों के अंदर अच्छी तरह भून जाए। मैं 1.25 किलो चावलों के हिसाब से पानी शामिल कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। चावल मैंने तकरीबन 1.25 घंटा पहले भिगो के रखे हुए हैं।
पानी बॉयल हो चुका है, अब इसमें चावल शामिल करते हैं। इनको मिक्स करते हैं। तो ऑयल आना शुरू हो चुका है, ये देखें कितने अच्छे कलर आ गए इनके, टमाटरों के, मसालों के, कीमे के, चावल के साथ। ये देखें अब चावल इस पॉइंट पे आ चुके हैं कि हम इनको दम लगा दें। मैं इसको दम लगाऊंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए, आप अपने हिसाब से भी दम लगा सकते हैं। थोड़ी सी गाजरें फ्राई करेंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेंगे। इसके बाद सबसे पहले गाजरें थोड़ी थोड़ी करके फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल में फ्राई कर लेते हैं मेवा यानी कि किशमिश। ये चावलों की खूबसूरती में बहुत ज्यादा इजाफा करता है और चावलों के साथ इसका टेस्ट भी बहुत मजे का आता है। और बादाम शामिल करते हैं। बादाम मैंने छिलकों के साथ ही लिए हैं ताकि ये नुमाया नजर आ सके। चावलों का टाइम पूरा हो चुका है दाम का, अब हम उतार के देखते हैं कि चावल कैसे बने हैं। हाँ, चावलों को डिश आउट करते हैं। कीमा पुलाव तैयार है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में रखें याद। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ।